गिवअवे का विनर था तो उसको हमने ये सेंड कर दिया जी क्रोनो करेक्टर। तो यार अभी मेरा सेकंड चैनल भी है A7 के आर्मी के नाम से, तो ये जो शुरू में मैंने आपको बताया, तो यार मैंने आपको इस चैनल का लिंक, अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसके साथ साथ मैंने कमेंट पर भी पिन किया हुआ है। तो अगली बार जो आपको गिवअवे मिलेगा आपने इस चैनल पर भी नीचे वीडियो के नीचे अपनी UID देनी है और हमारे दूसरे चैनल पर भी जाके उधर अपने कमेंट मारना है आपको क्या चीज़ चाहिए। तो अभी हमने जिसको क्रोनो सेंड किया तो मम्मी ने अभी उसको बोला कि जाके क्रोनो पहन के, तो भाई साहब ये आ चुका है जी क्रोनो पहन के। तो मैं आपको उसकी आईडी भी दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल नूब सी आईडी है इसकी। तो ये इस बार सही अच्छे बंदे को क्रोनो मिला, मतलब कि बिल्कुल गरीब सा बंदा है जो टॉप अप वगैरह नहीं करते, तो छोटे मोटे जो होते। तो ये मैंने उसको सेंड कर दिया अभी टॉप अप, तो क्रोनो कटर सेंड कर दिया। तो यार ये देख सकते हैं अभी हमारा आया हुआ है नया फेडेड व्हील। तो यार इस पर मैं ना सिर्फ और सिर्फ 2-3 स्पिन मारने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हम इस पर मारेंगे स्पिन, पहला स्पिन हम मारेंगे 9 डायमंड का और दूसरा स्पिन मारेंगे 29 डायमंड का। अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि जो इससे डायमंड बचेंगे हमारे तो उन डायमंड से हम गिव अवे करेंगे। कल 8 बजे आ जाना यार, कल 8 बजे आ जाना, फिर हम गिव अवे करेंगे 2-3 बंदों को हम चीज़ें देंगे। तो क्योंकि 1500-2000 डायमंड का ये मिलता है ना बंडल निकलता है, तो ये 29 का मारेंगे स्पिन और अभी देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। तो बंडल भी काफ़ी ओपी है लेकिन हम इसको बाद में निकाल लेंगे। आप बताओ कमेंट सेक्शन में निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए हमें ये वाला बंडल। तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ यस या नो। तो फिर जो इस बंडल से डायमंड बेचेंगे तो हम उनका करेंगे फिर गिव अवे। तो भाई साहब यही सीन है, तो वीडियो को जल्दी से हमारे सारे लाइक मार दो और चैनल को भी यार इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो। तो यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार, लाइक किया करो। तो चलो यार फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा तो ये देख लें इधर से, तो जिसको कोई कन्फ्यूजन है तो ये दे सकते हैं, फिर 9 डायमंड का स्पिन है, फिर 29 का, फिर 99 का, तो आप इधर से हिसाब लगा सकते हैं तो कितने डायमंड में ये निकलेगा ये वाला बंडल। तो बस यही सीन है। तो चलो यार फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।